नमस्कार दोस्तों, एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत फिर पुनः प्रज एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। मैंने प्रकाश में परावर्तन पढ़ा था। अगली घटना आप जो पढ़ने जा रहे हैं, हम अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से बिल्कुल ध्यान लगा के चलना है आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत अब हो चुकी है बहुत अच्छे ढंग से। मैं कोशिश करूँगा एक बढ़िया स्टैंडर्ड तक ले जाने की चैप्टर को। इस अपवर्तन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाँ, पिछले 15 सालों में जितने भी पेपर पूछे गए हैं, एक भी मतलब जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये दावा है हमारा। हम लोग कोशिश करेंगे उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाने की भी, जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं यहाँ 80% तुम्हारा बोर्ड पर क्लियर कराऊंगा। तो वादा मुझे ध्यान है, आप लोग बिल्कुल एक बार वापस से ध्यान लगा के जुड़ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे ढंग से फिर दोबारा से समझाने की। मैं यहां अगली जो टॉपिक पढ़ने वाला हूं अपवर्तन है। अपवर्तन में क्या है और परावर्तन में क्या था। परावर्तन में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने ये कहा था, ये कोई माध्यम था, इस पर प्रकाश की किरण टकरा रही थी, ये कैसा था, परावर्तक माध्यम था, और जैसे आके टकरा रही थी बेटा वैसे की वैसी वापस जा रही थी। ये मैंने किस में पढ़ा था, परावर्तन में पढ़ा था। नेक्स्ट जो मैं बात पढ़ने जा रहा हूं वो मैं अपवर्तन के लिए पढ़ूंगा, और अपवर्तन को एक बार आप ध्यान में रखना। मैं अगर यहां माध्यम की बात करूं आपसे, माध्यम अपने पास दो प्रकार के होते हैं, और मैं दोनों माध्यमों को एक बार कंपेयर करके पढ़ूंगा। जैसे मैं मान के चलूं ये बर्फ की सिल्ली है कोई, कांच की स्लैब है कोई, पानी से भरा हुआ तालाब है कोई, जैसे भी मान सको। तो बेटा वो जो माध्यम है वो माध्यम कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम वो माध्यम होते हैं जहां प्रकाश की किरण को चलने के लिए किसी बाधा का, रिस्ट्रिक्शन का, बाउंडेशन का, रुकावट का सामना करना पड़ जाए, वो माध्यम अपना सघन माध्यम कहलाता है। और जैसे यहाँ हवा है बेटा, तो वो माध्यम कौन सा माध्यम कहलाता है, तो जवाब है जी विरल माध्यम। ये विरल और ये सघन। सघन को जैसे मैं ये कह सकता हूं कि जल है, जैसे मैं कह सकता हूँ कांच है, जैसे मैं कह सकता हूँ शहद है, ये जो है वो कैसे माध्यम है, सघन माध्यम। सघन वो माध्यम जिनमें चलने के लिए रुकावटें आ जाएं हमारे सामने। विरल वो माध्यम है जैसे मैं कह दूँ निर्वात है। आप तो खूब जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। क्यों सबसे ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि वहाँ रुकावट ही नहीं है। अब निर्वात कह लो या फिर आप इसे हवा कह लो, दोनों माध्यम क्लियर है। यहाँ अपवर्तन में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में आ रही है, ये आ रही है, ये यहाँ इसका अविलंब है। तो देखिए इस प्रकाश की किरण को स्टूडेंट्स ऐसे जाना चाहिए, क्या ऐसी फ्लो नहीं है इसका, लेकिन ये जैसे ही बेटा विरल से सघन में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अविलंब की ओर झुकने लग जाती है। ये इसका अविलंब है, नॉर्मल है, नॉर्मल की साइड में झुकने लग जाती है, इसका झुकाव होने लग जाता है इधर की साइड में। एक बार वापस अगर मैं देखूं तो ये यहां इसका वापस से अविलंब बना दूं मैं, अब सघन से वापस विरल में जा रही है। इसको बेटा देखो आप इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन इस बार ये अविलंब से दूर हट गई। यहां अगर आपको एक चीज नजर आ रही हो तो वो चीज ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, चाहे वो विरल से सघन में कह लो, चाहे सघन से विरल में कह लो, आप लोगों का कहना ये रहेगा कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो प्रकाश की किरण अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये विचलन जो है ना, एक्चुअली ये विचलन ही बेटा क्या कहलाता है, अपना अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहलाता है। एक बार फिर सुनिए, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, तो जवाब है जी अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये जैसे मैं यहां ये वाला कोण मान लेता हूं आई और ये वाला कोण मान लेता हूं आर, ये जितना इधर की साइड में झुकी है ना वापस से उतना इधर हो गई, इसका मतलब यहां पर भी कोण आई बराबर कोण आर रहेगा निश्चित तौर से। एक बार फिर मैंने बताया आपको कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, जवाब है जी अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक बार 10+2 में ये प्रश्न पूछा गया है, जैसे मैं मान के चलता हूं, मैं ये कहता हूं ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है,
या फिर मैं ये कहूँ कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में। अब बताइए जी कंडीशन क्या होंगी, तो आप खूब जानते हैं जब विरल से सघन में गई, विरल से सघन में क्या कंडीशन हुई है, तो जवाब है जी कि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर झुक जाती है, और झुकेगी। बात क्लियर है? और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आई तो क्या होगा, तो जवाब होगा साहब अविलंब से दूर हटेगी। अब ये हमें एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन करता है, सघन विरल में हम अटक के रह जाते हैं। समाधान क्या है इसका, एक तरीका ढूंढते हैं। मैं ये कहता हूं ये बंद बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, ये बंद बॉक्स जैसा सघन माध्यम है, सघन बंद बॉक्स जैसा है, बंद है तो इसे मैं अपना घर मान लेता हूं, मान के चलिए ये मेरा घर है। आपको पता होगा जब भी आपके घर में कोई व्यक्ति आता है आप उसका सम्मान करते हैं, आप उससे लगाव रखते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे वो घर से बाहर जाता है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बाहर में जाओ, लेकिन फिर भी उतना लगाव उस व्यक्ति से नहीं रहता। अभी अनजान व्यक्ति कोई आपके घर में आया, आप लोग खाना पीने की जो भी व्यवस्थाएं आपके पास हैं वो उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करोगे, उससे दो चार बातें करोगे, लेकिन जैसे वो घर से बाहर चला जाएगा फिर आपको उससे इतना लगाव नहीं रहेगा। आप सघन को अपना घर मान लीजिए, कहानी खत्म। अब एक बार मेरी तरफ देखिए, मैं ये कहता हूं विरल से सघन में आ रही है, आपके घर में आ रही है, आपके घर में आ रही है तो आपका लगाव रहेगा, आप अविलंब हो। That means क्या होगा, जब विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाए, और यह विचलन ही उसका क्या कहलाता है, तो जवाब है जी अपवर्तन। अपवर्तन में यहां पर भी इसके नियमों की अगर मैं बात करूं तो यहां भी अपवर्तन के दो नियम चलते हैं, नियम नंबर एक और नियम नंबर दो। नियम नंबर एक क्या है, वही नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे तल में, एक ही तल में। कौन कौन, आपतित, परावर्तित और अविलंब, तीनों की तीनों एक ही तल में रहते हैं, चाहे वो आपकी आपतित किरण है, चाहे परावर्तित किरण है, चाहे वो अविलंब है। दूसरा जो नियम होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस नियम को बोला जाता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये स्नेल का नियम ये कहता है कि भाई एन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। ये बात याद कर लेना ढंग से, क्योंकि मैं यहां से एनटीपीसी में आए हुए, रेलवे ग्रुप डी में आए हुए, काफी न्यूमेरिकल से एसएससी में पूछे गए न्यूमेरिकल से यहां से पढ़ूंगा। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, हिंदी में साइन को कहा जाता है ज्या, ज्या। आपतन कोण की ज्या का मान अपवर्तन कोण की ज्या के मान के अनुपात के बराबर होता है अपना एन, स्नेल का जो नियम होता है। मैं एक बार इसे आगे पढ़ूंगा, एन को यहां पर हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं, एन बराबर क्या है, अपवर्तनांक, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये पढ़ेंगे अभी हम। फिलहाल के लिए से यहीं स्टॉप कीजिए, मैं एक बार वापस से ला रहा हूं। अपवर्तन में आप ऐसे एक चीज देख रहे हैं कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो रही है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि कोई बाल्टी पानी से भरी हुई है, जैसे मैं ये कहूँ ये कोई बाल्टी पानी से भरी हुई है, यहां तक इसमें जैसे ही मैंने किसी पेंसिल वगैरह को डाला, ऐसे करके पेंसिल पड़ी हुई है, तो ये पेंसिल मुझे थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देगी। अगर वो झुकी हुई दिखाई दे रही है या मुड़ी हुई दिखाई दे रही है तो वो प्रकाश की किस घटना के कारण हो रही है, तो प्रकाश की अपवर्तन घटना के कारण। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना किसके कारण है, अपवर्तन घटना कारण।
क्योंकि आप देख रहे हैं विरल से सघन में जा रही है हमारी नज़र। देखो जब मैं छोटा था तो मैं एक गेम देखता था अक्सर हमारे यहाँ के मेले वगैरह में। एक व्यक्ति बड़ी सी बाल्टी लेता था, पानी भरता था, उसमें एक गिलास रखता था। अब जाहिर सी बात है गिलास में भी पानी होगा। एक सिक्का, सिक्के को लेके वो उसे उस गिलास में डालने की बात करता था। हम बिल्कुल सामना बनाते थे एकदम लाइन पे, उसे डालने की कोशिश करते थे, लेकिन बावजूद बहुत सारी कोशिशों के वो सिक्का बड़ी मुश्किल से तुक्केबाजी के जरिए भले चला जाए गिलास में, अदरवाइज बिल्कुल सामने से अगर फेंकते थे तब भी वो नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि विरल से सघन में जा रहा था वो सिक्का। जब सिक्के में इतना वजन है, सिक्का जब अपने मार्ग से विचलित हो सकता है तो प्रकाश है, तो ये प्रकाश भी अपने मूल मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। और यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। अब मैंने ये बात पढ़ी है, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर कोई सिक्का रखा हुआ, सिक्का, वो सिक्का जो है जैसे कोई बाल्टी है इसके अंदर यहां पे सिक्का रखा हुआ, ये सिक्का यहां न देखकर थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है, ये भी प्रकाश की कौन सी घटना है, तो अपवर्तन है। पानी में रखे हुए सिक्के का ऊंचा उठा हुआ दिखाई देना, रेलवे ग्रुप डी का 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया स्टूडेंट्स, और वो प्रश्न ये था कि पानी से भरे हुए किसी कुएं अथवा तालाब, कोई कुआ या तालाब है, चाहे वो आप तालाब ले लो चाहे आप उसे कुआ ले लो, कुएं अथवा तालाब की पेंदी का ऊंचा ये बर्तन है। अभी कहीं आग लगी हुई है, आग के दूसरी पार कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, आप इधर से उस व्यक्ति को देख रहे हैं, उसकी आकृति आपको झिलमिलाते हुए दिखाई देती है, तो प्रकाश की कौन सी घटना है, तो जवाब है साहब अपवर्तन। अब यहां एक चीज क्लियर जरूर हो गई होगी कि जब भी चीजें मैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर ले जा रहा हूं तो मुझे वो चीजें अपने मूल मार्ग से विचलित होती हुई नजर आ रही हैं, जैसी है वैसी नहीं दिख रही, थोड़ा बहुत उसकी अवस्था में उसकी स्थिति में परिवर्तन आया था। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे एक प्रश्न करता हूं, एक पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं, झारखंड पीसीएस में पूछा गया था शायद, प्रश्न ये था कि अगर कोई मछुआरा किसी मछली को मारना चाहता है और मछली पानी के तालाब के अंदर है, कोई मछुआरा है जिसके हाथ में भाला लगा हुआ है और भाले से उस मछली को मारना चाह रहा है जो तालाब में पानी के अंदर है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूं ये तालाब है बड़ा सा, मछली यहां तैर रही है, ये मछली है, इस व्यक्ति के हाथ में यहां कोई व्यक्ति है जो कि इस मछली को मारना चाहता है, इसके हाथ में भाला लगा हुआ है सब एक बड़ा सा, उस भाले से इस मछली को मारना चाहता है, ऑप्शन क्या थे, तो वो ये बताइए कि मछली को अगर मारना चाहेगा तो निम्न में से कौन सी स्थिति पर अपने भाले को मारेगा। ऑप्शन ये था मछली से ठीक ऊपर, ऑप्शन दूसरा ये था मछली के ठीक नीचे, ऑप्शन अगला ये था मछली के ठीक आगे, और ऑप्शन चौथा ये था मछली के ठीक पीछे। अब बात सोचने वाली थी, अगर वो भाले को मारना चाहता है तो किस स्थिति में मारेगा। गाइस एक बात मैंने अभी आपको बताई है, जो पानी के अंदर मैंने सिक्का डाला था, सिक्का मान के चलिए यहां था, सिक्का यहां था, लेकिन वो सिक्का मुझे यहां दिख रहा है, अभी बताया मैंने, पानी में रखा हुआ सिक्का देखो मुझे ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे ही क्या लगता है ये मछली ऊंची ऊंची नहीं दिखाई देगी, अगर मछली यहां है तो वो मेरे को यहां दिखाई देगी। अब अगर भाला मारना है तो बताइए इस पोजिशन पर मारोगे या इस पोजिशन पर, यह मछली है वास्तविक लेकिन मुझे दिखाई कहाँ देगी, यहाँ, ये तो आभासी है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वास्तव में यह मछली है ही नहीं, तो अगर वो भाले को मारेगा तो उसे ये मछली दिख रही है ना इसके जस्ट नीचे मारेगा, तो ऑप्शन सही कौन सा था, मछली के ठीक नीचे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्लियर है? अगर कोई मछुआरा किसी मछली को मारना चाहता है तो उसके द्वारा मारे गए जो भाले की स्थिति होगी वो मछली के ठीक ऊपर होगी बेटा, क्योंकि अपवर्तन की घटना के कारण हमें उसकी वास्तविक स्थिति जो है वो दिखाई नहीं देगी। अगर वो हमें दिखाई नहीं देगी तो निश्चित तौर से हम एक आभासी स्थिति को मानते हुए अगर भाला मार रहे हैं तो भाला खाली चला जाएगा, मछली नहीं मारी जाएगी।
तो मैंने यहाँ पर ये पढ़ा कि अगर विरल से सघन में जाए चाहे सघन से विरल में जाए, अपने मूल मार्ग से जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और ये विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, तो जवाब है जी अपवर्तन कहलाता है। अब विरल से सघन में जाए तो क्या होता है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी, सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी। विरल क्या है, सघन क्या है, स्नेल्स लॉ क्या है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। एन यहां पर क्या है, अपवर्तनांक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। एक मिनट, मैं अगर अपवर्तनांक के बारे में आपसे बात कर लूं तो अपवर्तनांक के बारे में सुन लीजिए क्या होता है। ये अपवर्तन से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनी एग्जांपल्स में से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मैं अब आगे आपसे अपवर्तनांक के बारे में बात करता हूं। अब वो टाइम आ गया है जब मैंने आपको पिछली क्लास में ये कहा था कि आप एक एक की प्रकाश की एक एक माध्यम में चाल आप आराम से निकाल सकते हो, वो समय अब आ गया है। मैं आपको जैसे अपवर्तनांक की बात करूं, समझना ध्यान से, अपवर्तनांक जो n बराबर होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो बेटा ये होता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की किसी भी माध्यम में चाल, माध्यम में चाल, प्रकाश की हवा में चाल, प्रकाश की कांच में चाल, प्रकाश के हीरे में चाल, जो भी है वो सारे के सारे माध्यम है। तो प्रकाश की माध्यम में चाल और प्रकाश की निर्वात में चाल, अपवर्तनांक यही कहता है। देखो प्रकाश की निर्वात में चाल जो होती है उसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और प्रकाश की किसी माध्यम में चाल है उसे वी से, मतलब फाइनली अगर मैं चाहूं तो n बराबर c अपॉन v होना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्नेल्स लॉ भी मैं पढ़ूंगा वापस से, जो मैंने n बराबर ये आपसे बोला हुआ है कि साइन i बटे साइन r, अगर दो माध्यम दे रखे हैं तो इस n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा n1 अपॉन n2, तो कोई दिक्कत नहीं है स्नेल्स लॉ में। मैंने क्या पढ़ा है, अपवर्तनांक जो होता है n बराबर वो होता है c अपॉन v, मतलब किसी भी माध्यम में चाल अगर हमें पता है उसकी तुलना या उसका अनुपात हमें किसके साथ निकाल देना है, प्रकाश की निर्वात में चाल के साथ निकाल देना है, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका अपवर्तनांक आ जाएगा निकलकर। वैसे मैं आपको बता दूं कि अपवर्तनांक अगर मैं निर्वात के लिए निकालना चाहूं, निर्वात का अपवर्तनांक, निर्वात के लिए अपवर्तनांक का वैल्यू होता है एक, हवा के लिए अपवर्तनांक की बात करूं तो यह भी लगभग एक होता है। वैसे जो वैल्यू होती है वो होती है 1.009, लेकिन इसे कितना मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है जब भी कोई न्यूमेरिकल करते हैं। तो प्रकाश का निर्वात में अपवर्तनांक, या फिर सॉरी निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, एक। हवा का अपवर्तनांक भी लगभग इतना ही। जल के अपवर्तनांक की बात करूं तो जल का अपवर्तनांक 1.33 अप्रोक्सीमेट, लगभग जल का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33, जिसे 1.33 को 4/3 भी बोल सकता हूं मैं। देखो आप, 3 × 3 एक बच गया, पॉइंट लगाया जीरो हो गई, 3 × 9 = 1, 0, 9, 1, तो ये भी आराम से हम ले सकते हैं। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो जवाब है 1.33 या 4/3। आगे अगर मैं जैसे ये कहूं साहब कि कांच का अपवर्तनांक बताइए, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। ये सारी बातें मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। कांच का अपवर्तनांक ये हो गया। अभी आपसे पूछे जाए हीरा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वो वैल्यू होती है 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। एक अपवर्तनांक जर्मेनियम के लिए और पूछा जा चुका है आपसे, जर्मेनियम,
जर्मेनियम के लिए अपवर्तनांक की जो वैल्यू होती है वो 4 होती है बिल्कुल। अब देखिए वो प्रश्न काम कैसे करता है, आगे मेरी जो बात है उसको थोड़ा सा एनटीपीसी वाले और एसएससी वाले बच्चे थोड़ा ज़्यादा ध्यान में ले लें, बाकी का तो माथापोड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी वाले बच्चों के लिए यहाँ तक बहुत सफिशियंट ज्ञान हो जाता है, लेकिन एसएससी में बढ़िया एसएससी जीएल है सीपीओ है उस लेवल के बच्चे थोड़ा ध्यान दे दें, बाकी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले बच्चे भी यहाँ ध्यान दें। अभी वो आपसे ये कहता है कि मुझे बताइए साहब कि एग्जाम्पल है मेरा प्रकाश की कांच में चाल ज्ञात कीजिए, मान के चलिए मुझे नहीं पता है कि प्रकाश की कांच में चाल कितनी होती है, मुझे नहीं पता है कैसे निकालना है, मेरे पास फॉर्मूला दे रखा है n बराबर c अपॉन v। c क्या था, निर्वात में हवा की चाल, जैसे आप खूब जानते हैं कि c की जो वैल्यू होती है निर्वात में वो होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूंगा तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, और हमें माध्यम में ही प्रकाश की चाल पूछिए, v की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो c अपॉन n हो जाएगी निश्चित तौर से c अपॉन n। अब रखो साहब वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है अपने पास, वो है 3×10^8 मीटर, n मीटर प्रति सेकंड। आप देख सकते हो कांच में जो प्रकाश की चाल हमारी आई थी वो यही आई थी 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। एक बार फिर समझा रहा हूं, प्रश्न हमसे ये कह रहा है प्रकाश की कांच में चाल हमें ज्ञात करनी है, हमें नहीं पता प्रकाश की कांच के अंदर कितनी चाल होती है, हमें अपवर्तनांक पता है। देखो अपवर्तनांक पता है तो चाल निकाल देंगे, चाल पता है तो अपवर्तनांक, एक चीज का होना जरूरी है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ये सारी चाल है, मैं आपको निकाल के बता दूंगा तो निकाल के आराम से देख सकते हो। तो आपने क्या देखा, एन बराबर होता है सी अपॉन बी, बेटा सी होता है निर्वात में हवा की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, v बराबर क्या है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम अपने लिए कौन सा दे रखा है, कांच दे रखा है, वही हमें निकालना है कांच में प्रकाश की चाल क्या है। तो v मैंने यहां रखा है, n यहां रख दिया, रख दो साहब वैल्यू, n की जगह पे अपवर्तनांक होता है n बराबर, तो आपको पता ही है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर अपवर्तनांक होता है यहां पर, और अपवर्तनांक किसके लिए, कांच के लिए, कांच के लिए 1.5 होता है। तो रख दो साहब वैल्यू 1.5, जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की तुरंत आपको पता लग गया कि यहां जो वैल्यू आ रही है 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक और बात बेटा, जिन चीजों का या जिन माध्यमों का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वो माध्यम उतने ही क्या होते हैं, सघन होते हैं। प्रश्न आपसे पूछ लिया, जैसे ए बी सी और डी चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, दे रखा है जैसे उसने पहला बोल दिया हीरा, दूसरा बोला कांच, तीसरा बोला जल, चौथा बोल दिया हवा। मुझे बताइए साहब इन चारों के चारों माध्यमों में सबसे ज़्यादा सघन माध्यम कौन सा है। आपको खूब पता है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका नज़र आ रहा है यहाँ, तो हीरे का आ रहा है 2.42, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक भी ज़्यादा हो गया, बात सही है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सघनता होती है माध्यम की वो सघनता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के, मतलब अपवर्तनांक के, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक उसका क्या, उसकी सघनता भी, उस माध्यम की सघनता भी उतनी ही अधिक होती है। आगे आप दूसरा प्रश्न भी जैसे ले सकते हैं, कुछ भी और एग्जांपल यहां से ले लीजिए, जैसे कि आपको वहां मैंने चाल निकालना सिखाया है, अभी मैं अपवर्तनांक निकालने की बात कर लूं तो आप अपवर्तनांक भी आराम से निकाल सकते हो, यहां पर उल्टा कर दो सिर्फ, एन बराबर सी अपॉन वी रख दो, कोई फर्क ही नहीं है। चलिए तो यहां से आगे की बात करता हूं,
एक और बात, अभी आप एक चीज़ और देख रहे थे, वो चीज़ मैंने ये बताई थी कि ये चीज़ है वो इतनी ऊंची दिखाई दे रही है, वो इतनी गहरी दिखाई दे रही है। अभी मछुआरे और मछली वाली मैंने बात कर ली थी, अभी प्रश्न अगर आपसे ऐसे करके एग्जाम में पूछ ले, देखो मैं लेबल को उठा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा मैनेज करना मुझे, मैं लेबल को थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ। प्रश्न को आपसे मैंने अभी ये कहा है कि जैसे पानी के अंदर कोई सिक्का रखा हुआ था, वो सिक्का मुझे वास्तविक गहराई से ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी वो प्रश्न ये कह दे, बोला जी कितना ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो चीज़ हमें फाइंड आउट कैसे करनी है। जैसे वो ये कह दे कि मान के चलिए पानी के अंदर कोई भी वस्तु है वो 10 मीटर की गहराई पर रखी हुई है, एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं पानी के अंदर 10 मीटर गहराई पर स्थित किसी वस्तु को पानी के बाहर से देखने पर इसकी आवासी गहराई क्या होगी। प्रश्न को समझना बेटा एक बार, अभी मैंने कहा था ना कि मछली थी पानी के अंदर थी और भाले से मारना चाह रहे थे तो हमें ऊंची उठी हुई दिखाई दे रही थी। अब हमें एग्जैक्ट मारना है तो वो कैसे मारेंगे, जैसे मैं ये कह रहा हूं ये पानी का कोई तालाब है, यहां कोई वस्तु ये रखी हुई है, ये वाली वस्तु यहां से कितने मीटर की गहराई पर, तो जवाब है साहब 10 मीटर, ठीक सर। अब ये कुछ ना कुछ ऊंची उठी हुई दिखाई देगी, मान के चलिए यहां दिख रही है, अब मुझे बताइए ये वाली गहराई कितनी होगी, ये प्रश्न मुझसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एक सॉल्यूशन निकाला है और वो ये है कि मैं यहां एक सूत्र यूज लेते हैं, वो होता है D1/D2 बराबर N1/N2, D1/D2 बराबर N1/N2। D1 क्या है, तो D1 है यहां पर वास्तविक गहराई, वास्तव में वो वस्तु कितनी गहरी है। D2 है यहां पर बेटा आवासी गहराई, मतलब अगर मैं वस्तु को ऊपर से देख रहा हूं तब वो कहां दिख रही है, ये वाली जो थी ये तो थी बेटा इसकी वास्तविक गहराई, क्योंकि वस्तु यहां रखी है 10 मीटर। अब ये दिख कितना ऊपर रही है, यहां दिख रही है, तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये क्या है इसकी आवासी गहराई, ठीक है। N1 और N2 की बात और कर लूं मैं, N1 क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक, और ये N2 क्या होती है, ये होती है जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक। अब देखिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है साहब, ये व्यक्ति अब इसको देख रहा है सिक्के को या वस्तु जो भी है, उस व्यक्ति की प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है, हवा से पानी में जा रही है, इसलिए मैं किस में आ रहा है, तो ये N1 हो गया जी, ठीक है। N2 क्या हो गया, जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है, तो कहां से जा रहा है, तो जी ये हवा से जा रहा है, तो ये हो गया हवा, बात सही है ना। तो वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है, 10 मीटर, आवासी गहराई मैं कैलकुलेट करनी है,
जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है पानी में जा रहा है, तो जी पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक अभी मैंने आपको बताया था 4/3 या 1.33 बताया था। हवा का अपवर्तनांक आप खूब जानते हैं, कहा था मैंने न्यूमेरिकल के टाइम पे से एक मान लेते हैं, वैल्यू पुट कर दो, D1 की जगह 10/D2 की जगह ऐसे कैसे D2 बराबर, N1 कितनी है 4/3 और N2 की जगह 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4D2 बराबर हो जाएगा 3×10 और D2 बराबर 3×10/4। इसे अगर मैं काटता हूं तो मेरे पास वैल्यू तकरीब 7.5 आती है, 7.5 मीटर। अब अगर व्यक्ति इस वस्तु को देखेगा तो कितने गहराई पर दिखेगी? 7.5 मीटर गहराई पर दिखेगी। एक बार वापस से इस न्यूमेरिकल को सुन लें, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, रेलवे वाले बच्चे, एनडीएस सीडीएस वाले बच्चे या फिर एसएससी के एक अच्छे स्तर वाले बच्चे, वो इस पर थोड़ा फोकस कर लें, ध्यान कर लें। बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी पानी के अंदर मैं किसी चीज को देखता हूं तो वो वास्तविक गहराई से ऊंची दिखाई देती है, मान के चलो वो 50 मीटर नीचे है, लेकिन जब मैं ऊपर से देखता हूं तो वो मुझे और ऊंची उठी हुई दिखाई देती है। आप खुद देखिए इस चीज को, आप पानी के अंदर किसी चीज को डाल दीजिए, बाल्टी को डाल दिया, वो बाल्टी आपको बड़ी सी दिखाई देगी और ऊंची दिखाई देगी। अगर आप पानी के बाहर से पानी के अंदर वाली चीज को देखते हो तो वो निश्चित तौर से आपको बड़ी दिखाई देती है, पानी के अंदर से पानी के बाहर वाली चीज को देखते हो तो वो आपको निश्चित तौर से आकार में छोटी दिखाई देती है। ये मैं दर्पण वगैरह और लेंस वगैरह में पढ़ूंगा, अभी थोड़ा सा चलते हैं। प्रश्न ये है कि पानी के अंदर 10 मीटर गहराई पर स्थित किसी वस्तु, पानी के अंदर कोई वस्तु पड़ी हुई है जिसकी गहराई कितनी है? 10 मीटर है। पानी के बाहर से देखने पर उसकी आवासी गहराई बताइए, कितना अंदर वो दिखाई देगी? तो हमें पता है साहब D1/D2 = N2 N1/N2। D1 क्या होता है? वास्तविक गहराई, D2 आवासी गहराई, N1 जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक कितना है? 4/3। N2 जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है उसका अपवर्तनांक, और जी एक ही है। वैल्यू जैसे ही पुट की फटाक से हमारा आंसर आ गया। एक और बात, इस प्रश्न को मैं और थोड़ा सा अच्छे लेवल से ले जाता हूं, इस बार समझने की कोशिश कर लेना बेटा। तो देखिए मैं प्रश्न को और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, और यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। मैं ये कहता हूं कि यदि कोई मछली है और किसी तालाब के अंदर है, कोई मछली किसी तालाब के अंदर है, ये कोई तालाब है, चलो लैंग्वेज लिखते हैं एक बार। यदि कोई मछली तालाब में, मैं मान के चलता हूं 24 मीटर गहराई पर है, यदि इस तालाब से 36 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे किसी पक्षी द्वारा मछली को देखा जाता है, मछली को देख रहा है वो बाज या पक्षी है जो भी है, तो पहला क्वेश्चन ये बताना है हमें, पहला क्वेश्चन ये है कि जो पक्षी उड़ रहा है उस पक्षी के सापेक्ष मछली की गहराई ये क्या होगी। और दूसरा प्रश्न ये कहता है कि भाई मछली के सापेक्ष पक्षी की ऊंचाई क्या होगी, आवासीय ऊंचाई, और ये है आवासीय गहराई।
ये हमें दोनों सॉल्व करनी है बेटा, आप थोड़ा सा ध्यान लगाना। प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि ये भैया कोई तालाब है, तालाब में यहां तक पानी भरा हुआ है, इस पानी की सतह से, यहीं से देखनी हर चीज, इस पानी की सतह से कितने अंदर है कोई मछली, तो वो यहां पर पड़ी हुई है और ये वाली कितनी है 24 मीटर, ये क्या है यहां पर मछली पड़ी हुई है। इस पानी से, इस सतह से यहां पर, यहां कोई ये पक्षी उड़ रहा है, मैं कोई पक्षी मान लेता हूं, ये पक्षी है, कोई कुछ भी मान लीजिए ऐसे पक्षी है, ये पक्षी यहां पर उड़ रहा है, तो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है ये कितनी है 36 मीटर। ठीक है, अब पक्षी अगर इस मछली को देखेगा तो मछली से ऊंची उठी हुई दिखाई देगी, मछली अगर इस पक्षी को देखेगी तो उसको भी कुछ ना कुछ अंतर होगा। अब ये आवासी गहराई या आवासी ऊंचाई दोनों की हमें कैलकुलेट करनी है। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, पक्षी के सापेक्ष मछली की आवासी गहराई, सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये पक्षी अगर मछली को देखेगा तो कितना अंदर दिखाई देगी। तो नंबर फर्स्ट का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, n1/n2 बराबर हमारे पास है d1/d2 बराबर है n1/n2। d1 वास्तविक गहराई कितनी है जी 24, आवासी गहराई d2 में निकालनी है। n1 का मतलब है जिसमें प्रकाश जा रहा है, तो किस में प्रकाश जा रहा है, पानी में जा रहा है, पानी का अपवर्तनांक होता है 4/3 और हवा का अपवर्तनांक, एक करके देखो कैलकुलेशन, तो यहां अगर मैं निकालूं तो d2 बराबर क्या जाएगा 24 × 3/4, d2 बराबर आ गया 18। ये आवासी गहराई आई है सिर्फ सतह से अगर वो देखेगा तो कितना ऊंचाई पर दिखाई देगी उसे, 24 की जगह 18 मीटर ऊंची दिखाई देगी। लेकिन कह रहा है पक्षी से कितनी होगी, तो जी पक्षी से अगर मैं निकालना चाहूंगा तो पक्षी से कितनी हो जाएगी, तो जवाब है पक्षी के सापेक्ष 18 तो ये हो गई, पक्षी और कितना ऊपर है, तो पक्षी 36 मीटर और ऊपर है, 36 ही है, तो ये 54 मीटर बन गया आंसर, पहले क्वेश्चन का सही जवाब कितना मीटर बन गया जी 54 मीटर। ठीक, अब प्रश्न हमारा दूसरा क्या कह रहा है, मछली के सापेक्ष पक्षी की आवासी गहराई, वही d1/d2 बराबर n1/n2। अब देखिए d1 वास्तविक ऊंचाई, अब ये मछली देख रही है पक्षी को, पहले तो मैं मछली के सापेक्ष अगर निकालना चाहूंगा तो वही अपना d1/d2 चलेगा, पक्षी वास्तव में कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 36 मीटर ऊंचाई पर, d2 उसे भी पता नहीं है, n1 जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है, किस माध्यम में जा रहा है, तो हवा में जा रहा है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, 4 जैसे यहां रखूंगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां अगर मैं d2 बराबर निकालना चाहूं तो d2 बराबर मेरा क्या आ जाएगा, तो जवाब है 36 × 4/3, काट दो इसे 12 बार, d2 बराबर 48। ठीक, अब अगर ये 48 मीटर देखूंगा, मैंने भी आपको बताया था यहां से पानी के अंदर से अगर चीज को देखता हूं तो वो ज्यादा दूर दिखाई देती है, पानी के अंदर किसी चीज को देखता हूं तो वो कम दूरी पर दिखाई देती है, अब अगर वो देखेगा तो यहां कितना बैठ गया 48 बैठ गया, लेकिन मछली अभी तो यहां से देख पा रही है इसे, तो मछली के सापेक्ष अगर मैं देखूंगा तो जवाब आएगा मछली के सापेक्ष कितनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 48, तो ये है ही है 48, से उसने आवासी बताई दी, अब इसको और कितने मीटर दूरी पर, ये 24 मीटर तो है ही है भाई, यहां से अगर ये देखेगी इसे तो 48 पे दिखेगी, -24 और कर दो बिल्कुल वास्तविक स्थिति आ जाएगी आपको, सॉरी, तो ये 48 और 24 कितना आ गया 72 मीटर। एक बार फिर समझ लीजिए बात को, d1/d2 बराबर n1/n2, d1 क्या है
अब कौन देख रहा है किसको? मछली देख रही है पक्षी को, ये पक्षी अपना, मछली पक्षी को देखेगी। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसे जोड़ना चाहूं तो ये 60 मीटर आ रहा है, लेकिन मैंने कहा है पानी के अंदर से किसी चीज को देखेंगे तो वो ज्यादा ऊंची दिखाई देगी, पानी के बाहर से चीज को देखेंगे तो ज्यादा ऊपर दिखाई देगी। ये अगर मैं ये कहता हूं मैं तालाब के अंदर से किसी वस्तु या व्यक्ति को देख रहा हूं तो मुझे ज्यादा दूर दिखाई देगा, तालाब के बाहर वाला व्यक्ति मुझे अंदर देख रहा है तो मैं ऊंचा उठा हुआ दिखाई दूंगा, जैसे कि सिक्का दिखाई दे रहा था अभी जस्ट। वैसे ही अगर आप देखोगे तो D1 कितने हैं? 36। वास्तविक कितनी ऊंचाई है? 36 मीटर। D2 हमें निकालना है। N1 क्या है? जिसमें प्रकाश की किरण जा रही है। अब मछली देख रही है पक्षी को तो मछली के नेत्र से प्रकाश की किरण पक्षी की तरफ, मतलब पानी से हवा में, तो हवा आ गया जी, हवा का एक अपवर्तनांक। जल का कितना बचा? तो 4/3 होता है, 4 या नीचे। जैसे ही कैलकुलेशन सॉल्व की 48 आ गया। अब ये जो 48 आया है ये तो अभी सिर्फ इस बात को बता रहा है कि ये जो 48 आ रहा है वो सिर्फ एक अभी पानी की सतह से बता रहा है इसको। अब अगर पानी की सतह से ना होकर ये तो मछली तो नीचे है ना, अगर ये मछली नीचे से देखेगी तो 24 ये प्लस 48 वो, तो सीधा सीधा कितने हो जाएगी? 72 मीटर हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको सारी बातें क्लियर कराई हैं। N1 जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाए उसका अपवर्तनांक, N2 जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाए उसका अपवर्तनांक, D1 वास्तविक गहराई, D2 आभासी गहराई। एक प्रश्न यहां पर अपवर्तन से एक और पूछा जाता है। प्रश्न ये कहता है, बोला ये एक बात बताइए, अपवर्तन की घटना के दौरान ऐसी कौन सी चीज है जो संरक्षित रहती है, कांस्टेंट रहती है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब नहीं बदलती है। उसमें 4 ऑप्शन आपको वो दे रखा होता है। कई बार SSC के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये कहता है, जैसे पहला कह दिया कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश की कौन सी चीज अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर 1 में दे दिया आवृत्ति, दूसरा दे देगा आयाम, तीसरा दे देगा तरंग धैर्य, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो जवाब वहां पर सही जो आता है आवृत्ति आता है। प्रकाश की अपवर्तन घटना के दौरान प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो नो चेंज रहती है, अपरिवर्तित रहती है, कांस्टेंट होती है, ये कभी बदलती नहीं है स्टूडेंट्स। हाँ, परावर्तन हमने पढ़ा, अपवर्तन हमने पढ़ा। अच्छा, अपवर्तन से यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। अगली जो घटना पढ़ने जा रहा हूं वो मेरी तीसरी घटना है, और अपवर्तन के बाद तीसरी जो घटना आती है उसका नाम होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मींस पूर्ण, इंटरनल मींस आंतरिक, रिफ्लेक्शन मींस परावर्तन। नाम से अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा हो तो वो यही कह रहा है कि अपवर्तन की ऐसी घटना जो पूरी की पूरी अंदर हो जाए, टोटल पूरी की पूरी, इंटरनल मींस आंतरिक, रिफ्लेक्शन मींस परावर्तन, TIR। स्टूडेंट्स मैं से यहां 2-3 चित्र बनाऊंगा तब समझ आएगा आपको कैसे। चित्र नंबर 1 बनाता हूं मैं, ये चित्र नंबर 2 बनाता हूं ये, और चित्र नंबर 3 बनाता हूं ये, 3, 2 और ये 1। देखिए मैं ये कह रहा हूं ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि सघन माध्यम से विरल में जा रही है, ऐसे करके सघन तो है ये। बताइए सघन को मैंने अपना घर बनाया था और जैसे सघन से विरल में जा रही थी, मतलब बाहर जा रही थी, तो अविलंब से क्या हो जाएगी वो? दूर। भाई घर में आती है तब हमारा लगाव रहता है अविलंब की ओर, झुकता है, लेकिन अभी क्या है वो अविलंब से दूर जा रही है, दैट मीन्स वो सघन से विरल में जा रही है, तो ये ऐसे निकल जाएगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ऐसे एंगल को और झुकाया, कोने पे ले आया यहाँ से, ये प्रकाश की किरण, देखो इसको ऐसे जाना चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन ये झुकती है और ऐसे चली जाती है बिल्कुल इसके समांतर। कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री। अब इस एंगल को और अगर मैं झुका दूँ ऐसे करके कर दूँ तो ये प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चलना शुरू की थी उसी माध्यम में वापस लौट कर आ गई।
क्या लगता है तीनों चित्रों में पूरी की पूरी घटना अंदर के अंदर कहां हो रही है? तो जवाब है जी तीसरे चित्र में। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूरा का पूरा परावर्तन अंदर का अंदर ही हो जाए। तो ये चित्र कौन से में हो रहा है? तीसरे में हो रहा है। आपको खूब ये चीज नजर आ रही है कि 90 डिग्री से जैसे ही ज्यादा बड़ा एंगल बना तुरंत घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आ गई। ठीक है, इस 90 डिग्री वाले कोण को वो एक बार के लिए क्रांतिक कोण का नाम दे देता है। वो ये कहता है कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो तो आपतन कोण पूर्णांतरिक क्रांतिक कोण कहलाता है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए पॉइंट को। मैं ये कह रहा हूं कि जब अपवर्तन कोण आर का मान, अपवर्तन कोण आर, जैसे देखो ये यहां आई है और ये वाला आर है, आई आर, आई और ये आर। मैं ये कह रहा हूं जब अपवर्तन कोण आर का मान, इस वाले कोण के मान की बात कर रहा हूं, इस वाले कोण का मान अगर 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री हो तो आपतन कोण आई जो है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण है। समझ आ रहा है कुछ? मैं बेटा आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी इस कोण आर की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी तो ये आई वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। कब? जब आर बराबर 90 डिग्री हो तो आई बराबर जो होगा वो कैसे, कौन सा कोण होगा? क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। और जब भी वैल्यू 90 डिग्री से ब्लो चली जाए, 90 डिग्री से जैसे ही ऊपर चली जाए तो घटना पूरी की पूरी क्या कहलाती है? तो जी इसका जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना से हमें मोस्टली जो देखने को मिलते हैं वो इसके एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। कोई भी चीज अगर आपसे चमकदार रहने के लिए कहे, चमकदार, मोस्टली क्वेश्चंस में हीरे का चमकदार दिखाई देना, घटना कौन सी है जी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई कांच है, कांच में कोई दरार आ गई, चटका हुआ कांच है, उस दरार आए हुए कांच का उसका चमकदार दिखाई देना प्रकाश की कौन सी घटना है? तो जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी कालिख, कालिख मीन्स कारोंच जो तवे पे लगी होती है, किसी कालिख पुते हुए कागज या कपड़े को आप पानी के अंदर डालिए तो वो पानी के अंदर डालने पर उस कागज या कपड़े का भी चमकदार दिखाई देना, ये भी प्रकाश की कौन सी घटना है? तो जवाब है जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक चीज होती है इसका नाम होता है प्रकाश तंतु, मुझे ध्यान आ गया, प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? बहुत बार एसएससी के क्वेश्चन में पूछा, पेपर में पूछा जा चुका है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जवाब है जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश तंतु अगर आपने देखा हो तो किसी ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, आग नाक गले वाला जो डॉक्टर होता है वो अपने पास एक पाइप जैसी, नली जैसी रखता है, जैसे कान में चेक करना है तो कान में उस नली को एक तरफ से लगाता है दूसरी तरफ से लाइट डालता है। वो एक्चुअली जो पाइप होता है वो प्रकाश तंतु का बना होता है, प्रकाश तंतु कहलाता है वो। और वो किसका बना होता है? तो जवाब है साहब कैल्साइट कांच का, कैल्साइट कांच कह लो या कैल्साइट क्रिस्टल कह लो, कैल्साइट कांच या कैल्साइट क्रिस्टल के पतले पतले रेशों का बना होता है। और इन रेशों की जो मोटाई है वो रेशों की मोटाई है 10^-4 meters। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन। प्रश्न ये पूछ लेता है कि प्रकाश तंतु में जो रेशे बने होते हैं वो काई के बने होते हैं? जवाब है सब वो कैल्साइट क्रिस्टल के, कैल्साइट कांच के बने होते हैं। इन रेशों की मोटाई कितनी होती है? तो जवाब है 10^-4 centimeters, सॉरी 10^-4 meters उसकी जो है वो मोटाई होती है। और बनावट काई की होती है? कैल्साइट कांच के पतले पतले रेसों की, प्रत्येक रेसे की मोटाई 10^-4 meters होती है। अगर मैं इस प्रकाश तंतु के और यूजेस की बात कर लूँ ना तो इसका पहला जो यूज होता है वो घरों में होता है सजावटी लैंपों के निर्माण में, सजावटी लैंप बनाने में।
सजावटी लैंप जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो जी प्रकाश तंतु के बने होते हैं। दूसरी बात, इसका प्रयोग और कहां पर होता है, तो जवाब है चिकित्सा में। आंख नाक गले के जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। एक जांच और होती है बहुत शानदार सी, इसका नाम होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, तो स्टूडेंट्स ये एंडोस्कोपी की जो जांच होती है वो भी किसके जरिए से होती है, प्रकाश तंतु के जरिए से होती है। प्रकाश तंतु के जरिए से एंडोस्कोपी क्या होता है, मुंह के द्वारा एक नली को डाल दिया जाता है, इस नली के एक कोने पर कैमरा लगा होता है, दूसरे बाहर की साइड से उसमें प्रकाश डाल दिया जाता है। प्रकाश तंतु की खास बात यह है कि प्रकाश और सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसका प्रयोग किया जाता है बिना किसी क्षति के। पहले आप फोन देखते थे और लैंडलाइन चलते थे, BSNL कनेक्टिंग इंडिया, एक जगह से गांव गांव के लिए वो लाइनें पड़ी होती थी। वो लाइनें एक्चुअली किसकी होती थी, वो प्रकाश तंतु की बनी लाइनें होती थी, क्योंकि देखिए जितना सिग्नल यहां पर उतना ही 10 किलोमीटर दूर, उतना ही 50 किलोमीटर दूर, इसका मतलब वो जो तार है ना सबको समान मात्रा के सिग्नल देता है। एक शहर में, पूरे शहर में एक ही केबल घूमती है डिस्की, जितने सिग्नल मेरे घर पर दे रही है उतने आपके घर पर देगी वो। क्यों? क्योंकि वो किसकी बनी होती है, प्रकाश तंतु की बनी होती है। और प्रकाश तंतु की खास बात ये होती है कि ये जो है सिग्नलों को बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कारगर साबित होता है। तो चीजें चमकदार दिखाई दे रही हैं, चाहे वो हीरे का चमकदार दिखाई देना हो रहा है। हीरे के लिए क्वेश्चन और पूछता है वो, ये कहता है हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितने डिग्री होता है, तो उसका जवाब होता है जी 24 डिग्री। 24 डिग्री हीरे का कौन सा कोण होता है, तो जवाब है क्रांतिक कोण। हीरे के क्रांतिक कोण का मान कितने डिग्री, 24 डिग्री। हीरे का चमकदार दिखाई देना, कालिक्स या कारों से पोते हुए कागज या कपड़े को पानी के अंदर डालने पर उसका चमकदार दिखाई देना, तब भी यही जवाब है पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर काम करता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक बार फिर बता दूं मैं, परावर्तन में प्रकाश की किरण टकरा रही थी और वापस आ रही थी, अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। पूर्णांतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण पूर्ण मींस होता है पूरा का पूरा, आंतरिक मींस अंदर ही अंदर, परावर्तन मींस रिफ्लेक्शन, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर हो जाए वो पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात कर लूं, अच्छा पूर्णांतरिक परावर्तन जो घटना है वो केवल और केवल तभी संभव है जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से हवा में जा रही हो, कांच से हवा में, जल से हवा में। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये सघन से विरल में ही जानी चाहिए, तभी ये जो घटना है वो संभव है। पूर्णांतरिक परावर्तन के होने के लिए इन चीजों का होना बहुत अनिवार्य है कि प्रकाश की किरण हमेशा कौन से माध्यम में जाए, सघन से विरल में जाती है। कई बार वो ऑप्शन में आपसे पूछ भी लेता है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ज्यादा सघन कौन सा है, तो जी ज्यादा सघन वो है जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो उतना ही सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा वो उतना ही कम सघन होगा। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरी क्लास में ऐसा लग रहा होगा कि बाकी में मैं उन्हीं चीज़ों को टच कर रहा हूँ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में यहाँ ले रहा हूँ, फालतू की चीज़ों को काफ़ी क्विट करते हुए चल रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी क्योंकि मैं लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। फिर भी मैं आपको वापस से फिर बता दूं, ये जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मैंने आपको कराया था वो SSC के एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, रेलवे NTPC के स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी स्टेट PCS के एग्जाम के लिए, NDS CDS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं कॉन्स्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी और विभाग की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा इसमें माथापच्ची न करें। ये जो चीज़ें थी वो सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो मैंने न्यूमेरिकल टाइप्स जो चीज़ें बताई थी। तो बेटा जुड़े रहिए आप, कंटिन्यू आगे की क्लास हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ जो हमने पढ़ लिया है पूर्णांतरिक परावर्तन तक पढ़ लिया है, यहाँ से आगे मैं जो घटना पढ़ूंगा वो प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम वापस से फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच।